से हम लोग बहुत भाई क्या कर रहे हैं? बस अभी अरे उधर से अरे छाता ऊपर करो जी सर और स्मारक पर सीएम पहुंच चुके हैं। आज जो विजय दिवस है वो पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है और शौर्य स्मारक पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। जो वीर सपूत रहे हैं उनको आज समूचे मध्य प्रदेश में याद किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव भी उनको याद कर रहे हैं और शौर्य स्मारक की बात करें तो शहीदों की याद में ही राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक बनाया गया है, जिसमें तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के जो वीर सपूत रहे हैं उनकी फोटो भी यहाँ पर अंकित है। उनके बारे में तमाम जो शौर्य गाथाएं हैं शौर्य स्मारक में लिखी हुई हैं और आज इसी शौर्य स्मारक में देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समूचे मध्य प्रदेश में जो शौर्य स्मारक पर हम देखें समय तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और वीर सपूतों को आज मध्य प्रदेश की इस धरती से याद किया जा रहा है। हम जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो 25 साल पूरे हुए हैं और इसी 25 साल पूरे होने पर आज सीएम का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से सीधे अपने निवास पर रवाना होंगे और कारगिल विजय दिवस पर ये जो रजत जयंती समारोह का आयोजित किया जा रहा है, प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम है वो इस समय शौर्य स्मारक पर हम तस्वीर में देख पा रहे हैं। सीएम के साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कारगिल युद्ध के जो अमर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से। समूचे प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में जो शौर्य स्मारक पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, लेकिन सभी जिलों में कारगिल विजय दिवस पर आज जो रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है वहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं और खासतौर पर उन वीर सपूतों को आज मध्य प्रदेश सरकार नमन कर रही है जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में कारगिल के फतेह करने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं वीर सपूतों को आज हम देखें कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नमन किया जा रहा है। हालांकि जो कारगिल विजय दिवस है पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती समारोह का आयोजन है और इस समय हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के वीर सपूतों को वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देते हुए। आज के दिन मुख्यमंत्री के ये भी निर्देश हैं कि जो मध्य प्रदेश के शहीद हैं उनके परिजन हैं उनसे भी मुलाकात की जाए उनकी। पच्चीस साल पहले का आज का वो दिन कारगिल दिवस जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को प्रसाद मैं केवल देश की सीमा की रक्षा की बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना है। इतनी हाइट पे दुश्मन हो और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच
न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हैं बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के, योगदान के, सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था, इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है, लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और सेना को बधाई देता हूं। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। बहुत बहुत बधाई।